टूरर्स, आज हम आए हैं हमारे नियर बाय प्लेस दैट इज धारली विलेज, जहाँ पे कि आपको दिखाएंगे हम शिव जी के बहुत ही शिव भगवान के एक बहुत ही अमेजिंग केव। तो स्टे ट्यून्ड। थोड़ा मैं पिन पॉइंट करना चाहूँगा इस बात पे कि अगर आप मंडी से या सुंदरनगर से कहीं से भी हो, यार मस्ट विजिट प्लेस है और नियर बाय है, बहुत सही लगा मेरे को। तो अंदर की जो वो नेचुरली बनी हुई है जो चट्टान है, और वो देखो वो सामने है धारली विलेज है, और वैसे शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पे। सो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी सुंदरनगर से, सलापड़ कॉलोनी होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर चल के हमको सामने दिखता है एक छोटा सा वाटरफॉल, जिसके नीचे कुछ लोग नहा रहे थे। इट वॉज़ लुकिंग अमेजिंग। और फिर इस नैरो रोड से होते हुए हम बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन धारली विलेज के लिए। कुछ ही मोड़ क्रॉस करने के बाद हमें सामने दिखता है मेन द्वार उस गुफा का। गुफा में जाने के लिए आपको इस गेट से एंटर होते हुए थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ेंगी। थोड़ा सा वॉक है, सीढ़ियाँ चढ़ने को, तो कोई भी आ सकता है, टेंशन नहीं कोई। और ये इस वाले पहाड़ पे ना पूरे जो भी पतले बनती है टॉर का पत्ता, पूरे पहाड़ पे टॉर के ही पत्ते दिख रहे हैं। नेक्स्ट बिजनेस यही होने वाला है, यहाँ आया करेंगे हर हफ्ते, ठीक है, पत्ते इकट्ठे करके पतलियाँ ऐसा करेंगे। तो एक बिजनेस आइडिया तो हमारा डन हो गया। तो जो वी आर अबाउट टू एंटर दिस धारली गुफा, जहाँ पे है शिव जी का। वाह, बहुत बढ़िया। I love it. बिल्कुल ठंडा और शांत है अंदर। आई गेस कोई 10 डिग्रीज कम होगा कंपैरेटिवली। और ये देखो यार, मतलब एक्चुअली हर एक हिमाचली और सुंदरनगर मंडी वाले को पता होना चाहिए इस बारे में, इस जगह के बारे में। वेरी नाइस। जब भी बारिश होती है तो वो पानी सीधा शिवलिंग के ऊपर आके टपकता है, ऐसा हमें पंडित जी ने बताया। और थोड़ी देर शांति में बैठने के बाद हम वापस निकल गए गुफा से बाहर। पापा आ गए अपने फॉर्म में, तौर के पत्ते निकालते हुए। हाँ ये देखो, इससे बनती है पत्तल। वैसे तो पता ही होगा मोस्टली लोगों को, पर सही है यार, कितना सही पत्ता है, हार्ड पत्ता है। इस तरह से हमने विजिट करा धारली शिव टेंपल। एवरीवन मस्ट विजिट प्लेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल टूरर्स।